दुआ है खुदा बंदे आलम बहक के चहरदा मासूमीन अलैहिस्सलाम तो सो तमाम आबाप दा बुजुर्ग भाइयां अजीजा दा इस जिक्र पाक इस जिक्र खैर इस मजलिस पाक इस इश्क दी नमाज इस असूल दी नमाज इस अहले जिक्र दे जिक्र कुरान दे वारसां दे जिक्र अनडिठे अल्लाह की पहचान करवाण वाली हस्तियों के जिक्र रासखूना फिल इल्म हस्तियों के जिक्र वयुता हेरा कौम ततहीरा दिया मिश्ताक हस्तियों के जिक्र नहायत खलूस के नाल मुहम्मद वाले बैते मुहम्मद की बारगाह अकदस सिवाए खलूस के साडे कोल की पाकां नूं पेश करन वास्ते साडा साडा भी साडा नहीं सब कर लेना गजल पढ़न लगा शुमारी वाले भी रंग बखरे सब कर लेना लम्हे जाया मत करना गलत जगह पे जज्बे जाया मत करना इश्क तो नीयत की सच्चाई देखता है दिल ना झुके तो सजदे जाया मत करना कम अज कम गुजरात की धरती वास्ते खतरनाक शेर है जिहड़ा अगों मैं पढ़न लगा रोटी रोजी देश में भी मिल सकती है दूर भेज के रिश्ते जाया मत करना चौधरी इजाज साहब के दर्जात बुलंद चौधरी जहूर हुसैन के दर्जात बुलंद चौधरी सरफराज हुसैन के दर्जात मैं ये नहीं आख्या कि अल्लाह इन्हें बख्शे फिर मेरा अकीदा खराब हो जाता है। मौला अली फरमाया कि जो बंदा हमारी विलायत का इकरार भी करता हो और बख्शिश के एतबार से शक में रहे उसने हम पर अदम एतमाद किया है। दर्जात इन्हों के बुलंद नो असी खराजे तहसीन पेश करने वास्ते फोटो मैं वेख्या चौधरी जाल का तो मैं उन्होंने या अली मदद आख्या तुसी की समझो वो नहीं सुनता ते जो दा फोटो नहीं सुनता ते कबर लिटा के मोढ़े नप के क्यों आ दे ओ इस्माए फाम सुन और समझ एदा मतलब कोई ताकत है जिहड़ी मोमन नूं कबर च पहुंचा के सुनवैंदी भी ए समझैंदी भी ए उस ताकत दा नाम है इकरारे विलायत। ए जिक्र पाक अल्लाह इन्हां दीआं नस्लां च मुंतकिल फरमावे इन्हां बच्चियां दी जिंदगी होवे। किधे गया सादिक हुसैन सादिक टोरे फेरे ते रहिंदा कोई लैण बंदे तो खैर इतने भी बतेरे लाकर लैन गए वो एक मोमन आया सके जी बंदे बंदे बाहर आ जाओ रोटी खा लो तो जाकर बैठे रहो मैं क्या जाकरान बंदा नहीं समझता वो साडा काम ही ऐसा मालिक का जहूर हो साड़ियाँ अखी अपने वक्त के मुहम्मद की जियारत तो मुशरफ हो। दोस्तों मेरे बुजुर्गो भाईओ 60 साल मेरी एज हो गई है 43-42 साल मैं पढ़ने शाह जी हो गए अलहमदुल्ला मालिक के करम नाल निकी दाढ़ी रख के भी मैं 4 कुरान दी तफसीरां पढ़ियां। इस्लाम के तहफ्फुज़ को अज़ादारी सैयद शौदा कहते हैं। तुसा ध्यान ही कोई नहीं दिता ते जड़ा मजलिस च बह के बंदा सैयदां नूं ध्यान नहीं दे सकता वह खुमस देंदा है। ये जो आज़ादारी है मैं बड़ा मुतमैन ला करा तुहाडे च एक बंदा भी इन्होंने बोले तुहाडी चुप की वजह तो मैंने खोखर किसी नहीं आखना मैं फिर भी सही खुदा रसूल की कसम कभी सूरह बकरा पढ़ो ना तो पता लग जाए आज़ादारी सैयद शौदा की अहमियत क्या है। कभी इसकी आज़ादारी की अहमियत को ना भूलना। चीमा साहब मैं थोड़ी वेख रहा तुम्हें सूरह बकरा की कहते अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मन दल्लाजी युकरज़ुल्लाह करज़न हसना अल्लाह फरमा रहा है कि मेरी मखलूक जेड़ा मैं अल्लाह नू हसीन करज देवे। डॉक्टर साहब करज वो मंगता जेड़ा मोहताज होवे जिदी कोई जरूरत होवे ते जेड़ा सेना तुम वला नौम होवे लम या लिद व लम युलद होवे अल्लाह करज मंग रहा है। इहदा मतलब इहदा मटीरियल नाल तअल्लुक नहीं। मेरे 6वें इमाम को पूछा गया यबन रसूल अल्लाह अल्लाह बेनियाज होते हुए कौन सा कर्ज मांग रहा है। फरमाया जाओ अपने अपने घरों में मेरे दादा हुसैन की मजलस करवाओ अल्लाह तुम्हारा मकरूज हो जाएगा। एक कुरान जे कुरान की कसम मैं सैफुल मुल्क नहीं पढ़ रहा
और याद रखना दूसरी बात, अकीदे का तयन पाक नबी दे रवैये की बुनियाद पर करना है, क्योंकि मखलूक और खालक के दरमियान एक खूबसूरत तरीन वसीले का नाम मुस्तफा है। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं, दाढ़ी मेरी इतों तक होती तो तुसा बोलना सी, इलामा इकबाल की दाढ़ी तो नहीं सी, मुछा सन, उन्होंने क्यों इलामा आख्या जी? उस लिखे है भैया सिर शहादत की अगर तफसीर हो जाए, मुसलमानों का किबला रोजाए शबीर हो जाए। मखलूक डॉक्टर जी और खालक के दरमियानी खूबसूरत तरीन वसीले का नाम मुस्तफा है। मुस्तफा की वजह तो खुदा मने है। अल्लाह साडा जाणू नहीं सी, उस बेजाणू नू जाणू बनावण वाले का नाम मुहम्मद है। मैं कुछ अर्थ कर रहा जी, अल्लाह नहीं दिखाया, मुस्तफा मनवाया है। मन गए हो ना, अली दिखाया भी है मनवाया भी है, उथे डब्बे तेतरे क्यों हो गए? मैं जितने जाकरीन की तंजीम है ना, अगर तुम गुस्सा ना करो तो मैं सदर आना, तो सदर को साई पुछते रहते। मैंने फोन आया मौलवी साहब का, उसने कहा शाह साहब कोई फर्क नहीं पड़ता, मुंह वह पंजाबी तो गल् उर्दू दी करे। मैं जी की उसने कहा रजी अल्लाह को अलैहि सलाम कह दो, अलैहि सलाम को रजी अल्लाह कह दो। मैं क्या अभी कह देता हूँ एक अलैहि सलाम को रजी अल्लाह। उसने कहा आखो जी। मैं क्या हजरत जिब्राइल रजी अल्लाह ताला अन्हो। वो सिर नप लिया, उसने कहा ये रजी अल्लाह नहीं है, मैं किसके बच्चों का दर्दी है? आखिर बतूल के बेटों का दर्दी। मैं क्या मर जाए जब तो इन्होंने दर्दी रजी अल्लाह नहीं, तो इन्होंने जिन्हें जे दर्दी उन्होंने रजी अल्लाह कहनी मुंह ना आके। बोलो पिछले की हो गया जी? वो गुमेन मती पे दे, ये जो रजी अल्लाह है ये भी रसूल के हैं, और जो अहले बैत हैं ये भी। मैं कह जी रजी अल्लाह साडा सलाम साडे अपने जीन सैयद आले नबी औलाद अली सईदा दा नाना नहीं मुस्तफा, ते दो त्रेनु पता होंदा नाने दा नौकर मारा केड़ा ते चंगा केड़ा है। साडे अपने जीन सानू प्यारे ने सारे जमाने दा, कोई बंदा नासा ना चाहे साहबा दे सामने मुनाफका नु ना मंडे। साबिया नू सलाम है, मुनाफक नू ना मंडे। वो ना जी मुनाफक केड़े? मैं कह जेड़े ओ दे नस गए हैं वह मुनाफक नहीं, जेड़े औखे बड़े रसूल नू छड़ के तेरे की लगते नाराए। तुहानू मैं कसीदा वो सुनाना जी देते तुसा मैं दाद ही नहीं दे। देखो केड़ा मेरा हौसला बेदाद, मैं कसीदा पढ़ा। एक दिन मदीना शहर ते मदीने की गली, उस दौर में बड़ी गली खुली सी मदीने दी, हुण सौड़े दिल वाले ने सौड़ियां कर छड़ियां। हाय भाई साहब जी जल्दी है फरियाद है, फरियाद करदियां करदियां तू किंज हो गया? लो भाई कसीदा पढ़िए, है इजाजत? चौधरी इजाज दी रूह सुननी बड़ा, चूंकि मैं पता है गुजरात की धरती, साडा भी पुराना जिला तो गुजरात ही है ना। अजकल असी मंडी का माल हाँ, लेकिन नगरां दी मंडी नहीं, विलायत अली दी मंडी। एक एक नुक्ते विच बात। एक दिन जनाब पाक मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम सल्लल्लाह अपने कंधों पे एक दिन अलैहि मुसलाम को लेकर आया। शुमारी आ रहा तेरे तो मैं सदके जावा, ऐ भाई तो मेरे तो कतरा भी सदके नहीं जाने। तारक जमील नाल मेरी गल हुई, मैं कि जी ऐ पाक नबी दा पाक ऐ सज्जा मोढ़ा सी उहदे ते की लिखिया सी? आखे जी ला इलाहा। मैं कि इत्थे की लिखिया सी? जी मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं क्या तारक जमील साहब ईमानदारी नाल दसो, उत्ते रज़ी अल्लाह बांधे सन के अलैहि सलाम बांधे सन? गल कुरान की नस मौजूद है बेटे मेरे सामने। उस गई ला इलाहा इल्लल्लाह दे उत्ते इमाम हसन अलैहिस्सलाम, मुहम्मद रसूलुल्लाह दे उत्ते हुसैन। मैं कह तारक जमील साहब मर जाना जे मन जाओ, फिर हसन उतना ही पाके जितना ला इलाहा इल्लल्लाह पाके, हुसैन उतना ही पाके जितना मुहम्मद रसूलुल्लाह पाके।
सरकार मास्टर जी गरीबी सरकार इतने इमाम हसन और इन्हें शहजादियों के मुतलक एक हदीस अरबी मेरी तरह बेहतर नहीं तुम कड़क अरबी के पीरिया शिडी बैठी हो तुम जल्दी दे हजूर एक दिन फरमाया कि ये जो हसन हुसैन है ये मेरी रिसालत की खुशबू है। रसूल अपनी रिसालत के साथ अपनी खुशबू को लेकर जब मदीने की गली में आए तो जिन लोगों की नाक ठीक थी नाक एक हदीस ना पढ़िए पंजाबी सुन लो बेटा पाक नबी फरमाए अली तेरा दुश्मन जन्नत ते जन्नत जन्नत की खुशबू भी सुंग खुशबू कहीं ना सुंगी थी नक नाल अली दे मुनकर दा नक ही नहीं खुशबू हैं वो गली विच ना हजूर दे प्यारे प्यारे साहबा मजमा डॉक्टर जी बन गया अज में मेरे सामने मजमा है तो मैं कसीदे ही पढ़ना क्यों समझो दी मैं मज कुछ होनी हूं कसीदे ही पढ़ना वो पाक नबी ने जदों मदीने दे बाजार विच साहबा दा मजमा वेख्या ना ते सरकार बड़े गौर नाल वेखे हजूर ने फरमाया साहबा अगर आप पसंद फरमाए तो इन शाहजादों का मैं जाकिर बन के कसीदा ना पढ़ू आए आए भाई जी भाई जी अगे साहबा किराम रियान कादमी साहब उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह इन बच्चों का शाहजादों का टिका के कसीदा पढ़े टिका के लो जी पाक नबी ने कसीदा पढ़िया सुनिया कह साहबा किराम तो फिर एक गल तो वादे हो गई कि हसनैन शरीफैन इमामैन करीमैन सिद्दीकैन का कसीदा पढ़ना सुन्नत रसूल है और सिबतैन का कसीदा कन धर के सुनना सुन्नत साहबा ऐनी सारी गल मैं समझानी है लो जना वो जरा पाक नबी ने कसीदा पढ़िया ना वो भाई बच्चे पोली पुल पेड़ जू सुन वरे कौन डरिया नहीं राणा जेड़े मौलवी आ दिन सुर हराम है उन्हें को लगती नहीं सरवरे कौन है सुर हराम है मैं आखे जी अजान ही सुर लाते हो ये हलाल है उसे कहने जी अजान अजान होती है मैं आखिया जिनकी अजान होती है उनका ही कसीदा होता है सरवरे कौन सरवरे कौन सरवरे कौन मौला दर्जा पाक बीबी के कदम जाओ ना सर अच्छा जेड़े कसीदा मैं पे पढ़दा मैं तो पढ़ना ते की समझे सुनना राय पिंड वाले सुनना तुसे सर बरे कौन बरे कौन बावे अरब शारा की रूह तक कसीदा जाएगा अगर तुसा ध्यान दिता ते इस कसीदे च बोलना वो सी नहीं जेड़ा घरे वाले नाल भी कदी नहीं बोले पाक नबी दा लकब है सरवरे कौन है सरवरे कौन है इन्हें उन्हें शहजादियां दा कसीदा पढ़िया जेड़ा एक जना इत्थे बैठा सी एक जना हसन ते कहते हैं सरवरे कौन है मैं कुर्बान सरवरे कौन जरा तजे इंतजार करो सरवरे कौन कहते हैं सरवरे कौन हूं जनाब तजे इंतजार हो गए सरवरे कौन सरकार की फरमा रहे हैं शहजादियों के मुतलक साहबा सामने सुनते पर
हाँ, जिसको चाहे जन्नत दे दे, मालिक है हसन सरवर कौन। इत्थे दाद दियो तो सवादी हो जिया 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 है दरी। बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत मेहरबानी। बहुत मेहरबानी। बड़ी मेहरबानी। तुसी मेरा तरला करो कि शुमारी वाले 17 माता अख कुर्बान जावा सरवर कौन। लाखरी हथी पाउण दा नाम नहीं सरवर कौन। सरवर कौन जिसको चाहे जन्नत दे दे, मालिक है हसन सरवरे कौन है। बोलो सरवरे हैदरी। अल्लाह थोड़ी जिंदगी करे। सरवरे कौन है जिसको चाहे जन्नत दे दे, मालिक हैं हसनैन। एक लफ्ज आ रहा है माँ बहन, माँ बहन दमैन दरमियान सरकार दी महफिल चू एक बुजुर्ग जहा साहबी माशाला वाहवा उन्होंने कद सी उतों ना कि या रसूल अल्लाह सोहनी जुबान नाल सोहनिया शहजादियां दी सोहनी शान सुनाई जे एक शेर होर सुनाओ। कायनात दे रज़ू हसनैन दा ज़ाकिर बन के साहबा नूं मुखातब करके शहजादियां दे मुतलक फरमा रहे हैं। इनका बाप वसी है मेरा नाइब पाके अली है मेरा। बाबा आरफ शाह जी थोड़ी रूह नू मैं एक सुर छोटी जी बिल्कुल छोटी जी नजर करना चाहना। हजूर फरमेंदे पए इनका बाप वसी है मेरा नाइब पाके अली है मेरा। इनका बाप वसी बड़ी मेहरबानी। जिंदगी होवे जी चीमा साहब। मैं बिस्मिल्लाह कर लुत्फ आ रहा सवा लख नारा है दरी। असी जदों कसीदा पढ़ने असी खुद भी तो लुत्फ लैने कुछ ऐसे कसीदे मालका ने मैं हकीर को लिखवाए ने जेड़ी मैं अपनी रूहदारी वास्ते पढ़ना तुहानू भी शामिल है। नमाजे इश्क कर लिया वो जेड़े बाबे होरी पहले उठे सन ना उन्हों का एक पितरेर पीछे बैठा सी। हम मिजाज हम ख्याल हम जिनस हम नसल वो बाबा खड़ा उठ के या रसूल अल्लाह ये भी नौकर मैं भी नौकर नौकर सिरदारा को सिरदारा की होर शान सुनना चाहता। वो दूसरे साहबी ने पाक नबी वर्ग की या रसूल अल्लाह इन्हें शहजादियों की शान कुछ होर अता फरमाओ। मैं एक लफ्ज आख लगा कसम मैन कुरान की तुम जितनिया हदीसा पढ़ो जितना मुहम्मद और रसूलुल्लाह के तसलसल को हसनैन कहते हैं। मैं अपने एक एक जुमले ते हजार हजार सफ़े की किताब लिखा क्योंकि जिंदगी थोड़ी है। मालका दी शान कायनात दे रसूल ने उन्हां साहबा नूं हजरत हसनैन शरीफैन के मुतलक जिहड़ी अगली बात की थी हजूर फरमाते पैन दोनों मेरी गोद के पाले मुझको जिंदगी देने वाले।
ਜਿਹਾ ਕਸੀਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਠੀਕ ਰਹਾ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਹਸਨੈਨ ਸ਼ਰੀਫੈਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਔਖੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੁਰ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਬੋਲੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਹਿ ਪਾਉਣਾ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਰਕਮ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਲ, ਆਖਰੀ ਲਮਹਾਤ 'ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਰੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਵੀ ਉਨਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਕੇ ਬੇਟੇ ਹੈ, ਇਹ ਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਲਮਹਾਤ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਆ ਜੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੜ ਜਾਏ ਜੀ, ਬਈ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆ ਕੁਝ ਦਰ ਪਰਦਾ ਗੱਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹੀ, ਤਾਰੀਖ ਇਸਲਾਮ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਲਵਾਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਕਲਮ ਦਿਓ, ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਸਬੁਨਾ ਕਿਤਾਬ ਅੱਲਾ। ਹਸਬੁਨਾ ਕਿਤਾਬ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਾਨਾ ਕੀ, ਹਮੇ ਕੁਰਾਨ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਕੇ ਵਜੂਦ ਕੇ ਕਹਿਨੇ ਪਰ ਜਬ ਕਲਮ ਕਾਗਜ਼ ਨਾ ਦੀਆ ਤੋ ਕਹਾ ਕੁਰਾਨ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਔਰ ਕਲਮ ਮੰਗਣੇ ਵਾਲਾ ਹਕੀਕਤ ਮੇਂ ਕੁਰਾਨ ਕਾ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਨਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਕੇ ਕਲਬ ਪਰ ਕੁਰਾਨ ਉਤਰਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਕੇ, ਵੋ ਜਿਸ ਕੇ ਕਲਬ ਮੇਂ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਮੰਗਾ। ਤੋ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਆ ਜਵਾਬ ਦਿਆ, ਹਸਬੁਨਾ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਹਸਬੁਨਾ ਇਹਦਾ ਮਨ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਹਮੇ ਕਿਤਾਬ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਸ ਕਿ ਹਮੇ ਕੁਰਾਨ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕ ਨਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਸੀਦਾ ਹਸਨੈਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਾਗੋ ਤੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਰਸੂਲ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਸ਼ੇਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਮਰੂੰਡਾ ਖਵਾਵਾਂ। ਮੁਹਣਾ ਦਿਓ ਜ਼ਾਕਰ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੈ ਬਿਸ਼ਮਿਲ ਹਸਬੁਨਾ ਕਿਤਾਬ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਠੰਡਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਖੋਂ ਕੀ ਮੇ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਸਰਵਰ ਕੌਣ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੱਗ ਨੂੰ ਆਖ, ਹੁਣ ਜੱਗ ਛੱਡ ਦਿਓ ਰਾਜਾ, ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਧਕ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਿਆ, ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਆਪ ਪੜੂ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਸਲਵਾਤ।
चौधरी पिछले साल कोई आई मजलिस यानी चौधरी आजाद साहब तो बाद पहली मजलिस मैं उदी रूह की तस्कीन वास्ते मैं अपनी मौज नाल पे पढ़ना मैं मजमे तो बेनियाज होके पढ़ना क्यों जी गल मन लैण विच तेरा भला है 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 अगे कसीदा तकरीबन मैं अंग्रेजी च पढ़िया आ जड़े नो बोले तुम समझे अंग्रेजी हूं मैं पंजाबी च पढ़न लगा गल मन लैण विच तेरा भला है गल मन लैण विच तेरा भला है ओ तेरा चौदह रबी लवल न जी मैं मालिका दे इश्क दी नमाज दा इतमाम करदा ते बावे शफकत शाहरी मेरे को पढ़न गया पर पुरानी गल है ते ओ बावे और तुहानूं पता है उर्दू दे कसीदे ते वाल भी तो सबाब ते जो अंग्रेज कसीदा पे पढ़दा ओ शामी साडे पिंड दे बाबे बैठे तजदिया निगार हर पिंड च होंदे तबसरे करने वाले ते ओ उहनां आखिआ भाई सजाद हुसैन जिहड़ा जाकर आंदा ना छतियां बड़ा जाकर बड़े कसीदे पढ़े पर पढ़दा अंग्रेजी च रहा है मैं उस पिंडों हाँ जिथे उर्दू नू अंग्रेजी समझ गल मन लैण विच तेरा भला है 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 तुसी ये शुक्र करो खुदा दी कसम बड़ा कुछ है पिछलियां दो दहाइयां दे विच फौजियां ने वजीरस्तान विच ऑपरेशन कीता उन्हां दी की हालात ने डॉक्टर मेरा कीता ऑपरेशन गल मन लैण विच तेरा भला है गल मन ऑपरेशन दा दस सैयद पिया पढ़दा है गल मन लैण विच तेरा भला 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 है जे तू ना भी मन सानू खैर सला है जग ते हुसैन कल्ला है ओ जग ते हुसैन कल्ला है गल मन लैण विच तेरा भला है बोलो भाई सारे बोलो अपने जी बैठे भाई भाई सुनते जी पहला जागो जागो भाई अल्लाह थोड़ी जिंदगी करे रात बड़ी मेरा वीर सुनिया पई है सवाले फरदे सानी सुनिए डॉक्टर साहब गल मन लैण विच तेरा भला है गल मन लैण विच तेरा भला है गल मन लैण विच तेरा भला है फरदे सानी सुनिए विच तेरा भला है गल मन लैण विच तेरा भला है जे तू ना भी मन सानू खैर सला है जग ते हुसैन कल्ला है जिवें सारी कायनात विच अल्लाह है जग ते हुसैन कल्ला है ओ जग ते हुसैन कल्ला है गल मन लैण विच तेरा भला है रूदारी हैदरी खुश बैठे हो जिंदगी होवे लबे बचे हो खरीद थोड़ा जहा उचेरा हो गया मुझे सही पढ़ना है ये दा खाइए उदा इस दे मनाए नाने केड़े केड़े नाज नहीं है तो मेरे वेखे इस मुराद इमाम हुसैन दे मनाए नाने केड़े केड़े नाज नहीं याद मैं करावा तनु याद ओ नमाज नहीं हुण जरा सीखना है तुहाडे मैं चेहरे वेखांगा तवज्जो करे इश्क दी नमाज आशिका दे मजमे मैं कुछ इस तरह अंदाज करे मुस्तफा दी कंड मेरे पीर दा मुसल्ला है जग ते हुसैन कल्ला है ओ जग ते हुसैन कल्ला है गल मन लैण विच तेरा भला है
हैदरी आ मेरे पुत्रा को जिन्हें भी आदत पवे एदा मतलब है जिहड़ा छोर में न्याल दे हुए ने छोर चंगा है वो सुभान अल्लाह जिहड़ा नो बोल दे तुसी ले लो बोल तो पवो आखो शुमारी वाले आवा ताक मैं खर्च रखे ना इतने चंगे बलिया का सिर बह जाता है ते तुहाड़ी अख भी नहीं परतती पई नमाज नहीं मुस्तफा दी कांड मेरे पीर दा मुसल्ला है जगते हुसैन कल्लाए ओ जगते हुसैन कल्लाए गल मन लैन विच तेरा भला है जन्नत जन्नत भी मुसलमाना को बड़े उपरे उपरे काम करवा छटे जन्नत भी जाना है बंदिया ते जे बंदे इत टुक वट छड़िए तो गोदे जन्नत च कहीं जाना है। मैं अक्सर सुने 60 साल भी मैं भी इन्हें मुसलमाना च ही गुजारे जन्नत में जाना है पर मजलस में नहीं जाना ये मतलब इमाम हुसैन की मजलस छड़ के हुसैन की जागीर जान दिया ठरकिया मुसलमाना जन्नत दे रस्ते दा नाम मजलस है जन्नत दे रस्ते दा नाम मजलस है नमाज पढ़ रहे हैं जन्नत जाना मैं थोड़ी नुमाइंदगी करना मातमिया दी चीमा साहब जिंदगी गुजर गई थोड़ी भी मातमी बैठे हो कदी किसे मातमी ने मातम करके विचों निकल के बाहर जाके किसे ना आख्या बे हुण मैं जन्नत ही चले मजलस चो निकल के किसी आख्या मैं जन्नत चलिया जन्नत जान की ख्वाहिश वो करे जेड़ा जन्नत विच ना होवे जागदे पए हो तो मैं कुछ अर्ज कर रहे हैं शहीद मोहसिन नकवी ने क्या खूबसूरत लिखिया है दुनिया है अकायद के तसर्रुफ का तमाशा मैं शुरू से कहते हैं जो आदिल की गली है दो लख तो है मन कुंत के मुनकिर का महल्ला अरे जन्नत वो जजीरा है जहां जिक्र है अब परवेज मुशरफ की हुकूमत तो पहले बड़े बड़े मौलवी जन्नत दे जुमे वाले दिन तकरीर करनी है जन्नत ऐसी है उदे दूध दियां नारां ना उदे मिठे पानी नींबू दियां नारां ते पता नहीं की अंज दे गिलमान ते अंज दियां हूरां ते बाबे भी सौड़े पै जांदे आ और मैं सैयदा मैं कुरान दी चार तफसीरां पढ़ियां खुदा दी कसम अल्लाह ने अली दियां ते अली दिया पुत्रा दिया दुश्मना नू हूरा नहीं देनी अल्लाह चंगे भले हूरे देने ना कि आ गए बेबरात मौलवी साहब को अमल दसो जन्नत जाना है आखना 40 राती जाग जेड़ा 40 राती बंदा जाग जावे उंजी बोटो जांदा उन्हें जन्नत जाण दी लोड़ केड़ी जाग जाग के ये सारे फलसफे डॉक्टर जी आ जड़ियाँ जन्नत दिए नाम ने हाथ देना रहा आ उदे 40 दिन उदे काढ़िया 5-7 बंदे मार छाड़ ऐसी गल नहीं जागे सुन मैनू लम्मियां कहानियां नहीं आउंदियां राती जग जग के सुनानियां नहीं आउंदियां सुन मैनू लम्मियां कहानियां नहीं आउंदियां राती जाग जाग के सुनानियां नहीं सुन मैं लमियां कहानियां नहीं आउंदियां एक एक बंदे दा मुंह वेखो एक कसीदा सुन दे कि मैं
मैं थक के नहीं रुकिया, मैं तुहाडे मुंह वेखना चाहना, तुहाडे मुंह वेखना भी मेरे वास्ते लुत्फ की बात है। तुहाडे मुंह आम मुंह नहीं, तुहाडे मुंह उस मुंह दा सदका है जिस मुंह नूं अल्लाह ने अपना मुंह आखिया। कोई बैठे सुनन वाले बच्चे हाथ खोल, जैदी करबला भी फिर दोस्त दा महला है, जगते हुसैन कल्ला है, ओ जगते हुसैन कल्ला है, गल मन लैण विच तेरा भला है। करबला मुअल्ला, इस करबला दी गरम रेत नूं मुल्ला बनावन वास्ते हुसैन दा बड़ा खर्चा होए। एक मिनट मेरे वास्ते आओ जी बेटा। ज़ाकरिया अल बैत जनाब नाहीद अब्बास जग साहब, मेरे पुत्रां दी जा जिंदगी ने सफर दियां मंजिलां आसान होवे वेदे पए हो। हर खानदान च एक मर्द मान होंदा, साडा कल्चर साडा माहौल, जिवें इस खानदान च चौधरी इजाज मान आई ना, किदां ही प्यू मान, किदां ही चाचा, किदां ही मामा मान। दुआ मंगो परदेश च किसे खानदान दा मान ना मुक जाए, बनी हाशम दे मान दा नाम अब्बास। दो बुजुर्ग बंद में पड़ना चाहिए अब्बास जी, रब जाने मैं सारी जिंदगी बंद पढ़ना। भाई जी जेड़ा लफ्ज़ है ना रब जाने, इहदे विच पता नहीं कितना दर्द है अगर महसूस करो ता। भाई जान रब जाने वाए औलाद अली दी किवें हिजर अब्बास दा सह गई, मस्तूरां बेवास खाक ते झड़ियां मा फजल दी बन। हाय कीता करो तेरे मुंह चो निकली हुई हाय, ओ भैन सुन लवे जिसनू नौ फिरावा दियां लाशां ते किस मस्तूरा पे वस खाक ते छड़िया मा फजल दी बा। भले हो मस्तूरा पे वस खाक ते छड़िया मा फजल दी बा। अल्लाह करे मैं समझा ले। बाजू खाक ते नहीं आए मेरे सारे तू जा, गाली तूने लथा वो मेरा बुरका ले गए। भला उन्हें अल्लाह तुहाडे परदे सलामत रखे, तुहाडी हनुमान दी इबादत दे इजाफे वास्ते वो के मैनू तकलीफ है, लेकिन मैं थोड़िया सिकनी हुई अखी इस बात की मुतकाजी जो मैं दो सत्रह होर पढ़ा। एक मेरा तजर्बा है, जेड़ा बंदा मजूम की मजलस बह के पाकर मसायब बावजूद रो नहीं सकता, मैं मिन्नत करे ना अगर चाहना है तू रोवे तो हुसैन की मां तेरे ते राजी होवे। इको तरीका है थोड़ा जहा जहन करबला लै जा, इतना सोच कौन प्याला दहाई किवें प्याला दहाई किथे प्याला दहाई ते लांदा कै निठा है निगरान यती मां तसियां दा जडाओ झड़ियां बन सहरा ते जिठा मुंह दे फार गाजी कुलां दा दरिया।
यो सतर बदला जड़ी सैयद आ दिया कि सतर बाढ़ के पार निगरान बीबी दी चादर दा जदाओ झड़े बन फहराते जिठा मूद भार गाजी गुला दरिया बेणी बन बीबी आदि गाजी तू सम ओ कोई शाम सुनी दिए जने औखे औखे मोड़े ओ मैं कली ना अकबर ती असगर दी मां मेरे